प्रकाश, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं खुद एक सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। लाओ, वो फाइल मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी भागने में मदद करूंगी। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? देखो, मेरे पास ये रोल है, इसमें तेजा के तमाम गोडाउन और गैंग मेंबर्स के फोटोग्राफ्स हैं। मैं ये रोल अपने डिपार्टमेंट में देने वाली थी, तभी तुम्हारा फोन आया। ये फाइल मुझे दे दो, इस फाइल और इस रोल की मदद से हम लोग तेजा को गिरफ्तार करा सकते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? प्रकाश, तेजा, मुझे तुम पर पहले ही शक था मीना कि तुम एक सीआईडी इंस्पेक्टर हो। वाह, क्या एक्टिंग है! मेरी एक आंख है मीना, लेकिन मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ जो तुम दो आंखों वाले नहीं देख सकते। और मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी बॉस? देखा कैसा उल्लू बनाया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्टिंग की। इनाम नहीं लोगे? हाँ हाँ, तो लो। मैंने इसे इसलिए मारा मीना, क्योंकि तुम्हें इस गैंग में यही लाया था, और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम नहीं, नहीं। धीरे से पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे कविता? कविता ने कहा, ओ राजन, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आई लव यू राजन, आई लव यू। मैंने फिर मीना की जगह अपना नाम लिख दिया। इंस्पेक्टर, मैं इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ। मैंने देखा एक आदमी एक औरत का गला दबा रहा था, औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी।
आदमी ने उसको जोर से खींचा और उसके सर पर फूलदान मारा और फिर उसका गला जोर से दबा दी तो फिर वो औरत जिंदा भी नहीं गई। कहाँ कहाँ किस जगह? वो खिड़की दिखाई दे रही है ना, वो वहाँ जी। आप उस आदमी या औरत को पहचान सकती हैं? अच्छी तरह, क्योंकि उस वक्त लाइट चल रही थी। पर इंस्पेक्टर, क्या मुझे आप लोगों के साथ आना होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। जिन्हें हम इंक्वायरी करके आते हैं, आप अपने घर में जाइए। आदमी को आपने देखा, उसकी नजर आप पर नहीं पड़नी चाहिए। वैसे आप ठीक तो हैं? चलिए देखते हैं। कोई सपना देखा हो? अभी मालूम चल जाएगा। एक मिनट में यही एक फ्लैट है जिसका डायरेक्शन उस लड़की के फ्लैट के बिल्कुल सामने पड़ता है। मेरा ख्याल से यही फ्लैट बचे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप ये गुदान मालूम? ओह माय गॉड, 3 बज रहे हैं। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? व्हाट्स नाइट? मुझे कुछ बताएंगे? इंस्पेक्टर साहब, देखिए अब बहुत हो चुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हमें अभी अभी खबर मिली है कि इस घर में किसी का खून हुआ है। यहाँ? जी हाँ। आपकी पत्नी कहाँ है? हमें उनसे बात करनी है। मेरी पत्नी? जी हाँ, उमा बुलाइए उन्हें, हमें बात करनी है। मेरी पत्नी अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। ओके ओके, देखिए हमारे पास कॉल आया था कि अभी थोड़ी देर पहले इस मकान में किसी लड़की की हत्या हो गई है और हम उसी के बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो मिस्टर मिलिंद, आप इस घर में अकेले रहते हैं? जी हाँ, मैं SPG कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं किसी लड़की या किसी हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। मेरे पास वाला फ्लैट भी खाली है और नीचे के फ्लैट में एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। समझ में नहीं आता आखिर आपको बताया किसने कि यहाँ हत्या हुई है। ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है मिस्टर मिलिंद। तो आपके पास वाला फ्लैट खाली? जी हाँ, वो बिकाऊ है, उसके मालिक USA चले गए हैं। आपके पास आपका एक फोटोग्राफ कब होगा? जी हाँ, लेकिन बेफिक्र रहिए, हम वापस लौटा देंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी अजीब बात है, हो सकता है मेरे किसी स्टूडेंट ने मजाक किया हो। लेकिन आपको मेरा पता बताया किसने? सब पता चल जाएगा, चलिए हम चलते हैं। यहाँ तो कोई शक की बात नजर आई नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था उस लड़की ने जरूर कोई सपना देखा होगा। खैर चलो, चलकर ये फोटो उस लड़की को दिखा। यही है वो आदमी जिसने उस औरत का गला दबाया
पर बाद में इसी ने उसके सर पर फूलदान मारा था। देखिए मैडम, आप तो शायद कुछ गलत ही हो रही है। हमने पूरा घर चेक किया है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं। और रात के दो बजे हो सकता है आपको शायद सपना आया। मुझे कोई सपना वपना नहीं आया। मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? देखिए, मैं यहाँ बैठकर लिख रही थी, जब मैंने कहानी खत्म की तो मैंने सोचा थोड़ा सा पर्दा खोल दूं। और जब मैंने पर्दा खोला तो देखा सामने खिड़की में वो आदमी उस औरत को गला दबा रहा था। ओके, आप करती क्या है? जी, मैं राइटर हूँ। मेरे लिखे दो टीवी सीरियल्स इस वक्त टीवी पर आ रहे हैं। अपराधी कौन? गुमनाम है तो? क्राइम थ्रिलर्स लिखती हैं आप? राइटर्स लोगों की कल्पना कुछ तेज ही होती है, पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं आप लोग। रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा होता है? अब रात के 2 बजे जब आप शायद नींद में होंगी, आपने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई अपनी खिड़की के सारे पर्दे खोलकर कोई खून कर रहा। मैं कोई नींद में नहीं थी। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को खून करते हुए देखा। कविता जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोचते सोचते आदमी को यकीन होने लगता है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो वाकई में हो रहा है। कि टीवी का कितना बुरा असर हो रहा है लोगों पर जानती है? क्या क्या दिखाते हैं आप लोग, कितना खून खराबा दिखाते हैं आप लोग। कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं? सोप लिखिए, कॉमेडी लिखिए। देखिए, मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जो मैंने देखा वो तो मैं प्रूव नहीं कर सकती। सामने वाली खिड़की में किसी का खून हो रहा था तो क्या मुझे पर्दे बंद कर देने चाहिए थे और सो जाने चाहिए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने लाइट जली देखी तो मुझे लगा आप लोग यहीं होंगे। मैंने आपको जो फोटो दी है वो मेरी बीवी ने खींची थी, जरा सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। मेरे पास ये दूसरी फोटो है, आप ये लीजिए। क्या ये वही लड़की है जो कहती है मैंने खून किया? क्या पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अचानक अंधेरा सा छा गया था। जरूर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया? आपकी रात को मुझे उठाया और क्या ऐसा इल्जाम? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा मेलेन, देखिए इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी आप जाइए ना, आपसे बाद में बैठूं। प्लीज माफ कीजिए, मैं जरा गुस्से में आ गया था। Excuse me, ये आपने सिगरेट तोड़ी क्यों? जी मैं सिगरेट पीना बंद तो नहीं कर सकता, ऐसा करने से सिगरेट कम हो जाती है। लोग फिर साइन, ओके, गुड नाइट।
मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आदमी ने उस लड़की को मारा है। पुलिस भले ही मेरी बात का यकीन न करे, मैं इस आदमी को पकड़वा कर रहूंगी और साबित कर दूंगी कि मैंने सही देखा था। इसने जरूर लाश को कहीं छिपा दिया है, मगर मैं भी इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रात दिन उस पर नजर रखूंगी और सब कुछ हासिल करके रहूंगी। प्रोफेसर मिलिंद, जरा बाहर आइए। क्यों? अरे भाई ऐसे ही, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह टेनिस खेलने जा रहा हूँ। सुबह के वक्त टेनिस खेलना पसंद करता हूँ मैं। क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी की डिक्की में क्या है? क्या मतलब है आपका? आपकी डिक्की में जो थैला रखा है उसकी हमें तलाशी है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरी गाड़ी में थैला रखा हुआ? देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है आपकी गाड़ी की डिक्की को। गाड़ी की तलाशी नहीं ले रहा, बगैर किसी सर्च वारंट के आप गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते। मिस्टर मिलिंद, हमें सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं है। हम सड़क पर किसी भी कार की तलाशी ले सकते हैं। हो सकता है आपके थैले में बम भी हो। लेकिन मैंने तो आपको किसी कार को चेक करते हुए नहीं देखा। आप सिर्फ मेरी गाड़ी क्यों चेक करना चाहते हैं? मिस्टर मिलिंद, क्या दिया? We'll be right back.
बबीता बोल रही हूँ, वो वापस आ गया। क्या किताबें? मैं पागल नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा ना कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बड़ा सा बक्सा लेकर आया है। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको सामने वाली बिल्डिंग में हुई हत्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या क्या बताना चाहते हो? कौन बोल रहे हो तुम? मुझे उस गोखले के बच्चे से हिसाब बराबर करना है। मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दे सकता हूँ जिससे साबित होता है कि गोखले उस लड़की का हत्यारा है। क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत है? प्लीज प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। ये सब मैं फोन पर नहीं बता सकता। क्या आप 10 मिनट में होटल सदानंद में आ सकती हैं? होटल सदानंद, वो जो बस डिपो के पास है? मैडम, आप फैमिली रूम में जाकर आराम से बैठें। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। जी।
तो ये लाश सड़ जाएगी। जितने जल्दी हो सके इसे यहाँ से हटाना होगा। हेलो, हेलो, मैं इंस्पेक्टर गोविंद से बात कर सकती हूँ? हाँ इंस्पेक्टर, मैं कविता बोल रही हूँ। वो सामने वाला आदमी अभी अभी एक बड़ा सा ट्रंक लेकर उसके घर से बाहर निकल रहा है। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मगर देखने में वो ट्रंक बहुत भारी लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है इसमें उस लड़की की लाश है। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने उस बोरे में किताबें रखकर आपको गुमराह करने की कोशिश की, ये उसकी चाल थी। इंस्पेक्टर, वो जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस ट्रंक में इस वक्त उस लड़की की लाश ही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप मिल गए, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। ये मिस्टर मिलिन, आपकी कार में क्या है? फिर वही, देखिए ऐसा गैर कानूनी कुछ भी नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं, बम या गन ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी कार में जो ट्रंक है उसमें क्या है? ट्रंक, यकीन करेंगे आप? बिल्ली है। और अब पूछिए क्यों? बहुत परेशान कर रही थी इसलिए उसे छोड़ने जा रहा हूँ। तो इतनी रात को आप बिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी हाथ में आई, उसे छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे ट्रंक चेक करना है। ठीक है, आप अपनी तफसील लिखिए। आइए। आप सच कह रहे हैं कि आप दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं? अब देख लीजिए। आइए। देख लो। मुझे पता है तुम गुनहगार हो। आई एम गोइंग टू मेक यू पे फॉर योर क्राइम। गुनाह का बदला मिलेगा। This is your first warning. ये लेटर आपको किसने भेजा? यही तो मुझे पता नहीं। और ये दूसरा लेटर आज मेरे शाम को मेरे दरवाजे पे पड़ा था। Prepare to die soon. मरने के लिए तैयार हो जा। This is the second one. और इसी की रिपोर्ट लिखवाने में आपसे मिलने आ रहा था और आप मिल गए। मैं नहीं जानता, कल रात से आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। और वो दूसरी एक महिला मेरे सामने रहने वाली, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। वो कल रात से मेरे घर पर नजर लगाए बैठी है। फिर समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे इस तरह जरा धमकाने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या मैंने इस आदमी को धमकी दी? ये कहना क्या चाह रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस घर में एक औरत का खून हुआ है और वो खून इसी आदमी ने किया है। आपने सुना इंस्पेक्टर, ये बार बार मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? आप इसे वो लेटर दिखा दीजिए। मुझे पूरा यकीन है यही लड़की मुझे बार बार। विश्वास कीजिए, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है।
सिर्फ एक ही मशीन से टाइप किए गए हैं। ये देखिए, ये ई और जे, देखिए ये दोनों लेटर एक ही मशीन के हैं। और ये देखिए, ये कागज भी एक से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इन्हें क्यों परेशान कर रही हैं। तुमने मुझे ये खत क्यों भेजे? तुम चुप रहो, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये लेटर्स मैंने नहीं भेजे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये ऐसे किसी दूसरी मशीन पर लेटर्स टाइप किए गए हों। पिछले 24 घंटों में तुम 3 बार पुलिस को बुला चुकी हो, आखिर तुम चाहती क्या हो मिस जोशी? तुम चुप रहो, हत्यारे, जरूर ये लेटर्स तुमने ही लिखे हैं। तुम ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आ रहा है ये सब कैसे हुआ। इंस्पेक्टर, आज दोपहर को मुझे एक टेलीफोन कॉल आया और फोन करने वाले ने मुझे कहा कि इस हत्या के बारे में उसके पास सबूत है और उसने मुझे होटल सदानंद में मिलने के लिए कहा। मैं जब वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे समझ में आ रहा है कि वो टेलीफोन किसने किया था। वो और दूसरा कोई नहीं था इंस्पेक्टर, वो फोन करने वाला यही था वो। अच्छा, तो मैंने ही खून किया और मैंने तुम्हें बुलाया उसका सबूत देने के लिए। झूठ, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं जैसे ही घर से बाहर गई, ये यहाँ आया और इसने मेरे टाइपराइटर पर लेटर्स टाइप किए और मेरे एनवेलप में रख दिए। देखिए, मैं यहाँ पेपर और एनवेलप रखती हूँ। ये देखिए, ये इसमें कैसे आया? This is your third and last warning. Prepare to die. ये तीसरी और आखिरी चेतावनी है। मरने के लिए तैयार हो? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं लिखा। आप मेरा विश्वास करिए, ये जरूरी से नहीं लिखा। तू सच सच बोल, ये लड़के तूने लिखा है ना? सच बोल, मैं क्या है? तू नहीं आ रही है मुझे लड़के लिखा है ना? बोल, ये सच है या नहीं? बोल, ये लड़के तू नहीं लिखा है ना? मैंने इन्हें नींद के इंजेक्शन दे दिए, मैं सुबह चेकअप करने आऊंगी, जब ये थोड़ी शांत हो जाएंगी तब। हाँ तो इंस्पेक्टर, आप क्या कह रहे थे कि इन्होंने जो लेटर्स लिखे थे उनके बारे में इन्हें कुछ याद नहीं? हाँ डॉक्टर, न जाने कहाँ से इनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इन्होंने उस आदमी को खून करते हुए देखा है। इनकी इन हरकतों की वजह से वो आदमी भी बहुत परेशान है। नमस्ते मैडम, अब चाय पियेंगी? ये लो पेपर, डॉक्टर साहब आपको देखने के लिए भी आती हूँ। मिस जोशी, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या रही है बोलता जी? इंस्पेक्टर, ये वही लड़की है जिसे मैंने उस रात देखा था। What? हाँ, मैंने उस आदमी को इसी लड़की को मारते हुए देखा था। आप मेरा विश्वास करिए। रिलैक्स मिस जोशी, आप इतना एक्साइटेड मत होइए। क्या रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने मुझे रास्ते से हटाकर इस लड़की की लाश को रात को देख के गाने लगा दिया। प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए, प्लीज। ओके, मैं चेक करता हूँ। हम दोनों साथ में ही रहा करते थे, दोनों ही पेइंग गेस्ट थे। मैं भी एक नाइट क्लब में डांस करती हूँ, वो यहाँ रहती थी और मैं वहाँ। सीमा अक्सर अपने प्रेमी के बारे में मुझे बताया करती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो उससे शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीमा कहा करती थी कि वो पैसों का बहुत लालची है। फिर? सीमा उसे बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि वो किसी अमीर लड़की के चक्कर में है, तब सीमा ने उसे धमकी दे दी कि वो सब कुछ उस लड़की को बता देगी। क्या बता सकती हूँ आदमी को? अफसोस की बात तो यह है इंस्पेक्टर कि मैं उस आदमी को जानती नहीं।
मैंने कई बार सीमा से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो एक दो बार उससे मिलने यहाँ आया भी था, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ पे यदि वो आदमी आपको मिल जाए तो वो इसी माँ का हक कर रहा है। इस कमरे में हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। सहेली सिगरेट पी चुकी? नहीं तो? तो फिर ये कहां से आया? बिना जले हुई आधी सिगरेट। डॉक्टर, अब मुझे काफी ठीक लग रहा है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? I'm sorry कविता, मैं इंस्पेक्टर गोविंद के परमिशन के बिना आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकती। ये लीजिए नींद की गोली, ले लीजिए। नींद की गोली? लेकिन क्यों? इससे आपको आराम मिल जाएगा। सुना भैया, क्या तुम मुझे दूसरा न्यूज़पेपर लाके दे सकते हो? मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। देखो, मुझे एक इंग्लिश का और एक हिंदी का न्यूज़पेपर लाके देना, बाकी के पैसे तुम रख लेना। घबराओ मत, डॉक्टर से मैं कह दूंगी, मैंने तुम्हें भेजा था। मगर मुझे यहाँ से हिलने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि यहाँ मुझे सब पे नजर रखनी पड़ती है। तुम पेपर ला दो ना, तुम्हें नजर रखने का काम मैं कर लूंगी। अच्छा, ले आता।
मैंने सीमा को मारा। मैं एक अमीर बाप की लड़की से शादी करने की सोच रहा था, लेकिन सीमा मुझे बार बार परेशान कर रही थी। ये सच था कि मैं उसके साथ घूमता फिरता था, लेकिन वो समझने लगी मैं उससे प्यार करता हूँ। सच बात तो ये थी कि वो मेरे प्लान में कांटा बन रही थी, इसलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और अब तुम मुझे मारोगे? उससे तो शक और बढ़ जाएगा। आइडिया है, क्या ख्याल है आपका? यदि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न। मैंने अभी अभी यहाँ बैठ के ये टाइप किया है, आपका अब मुझे महसूस होने लगा है कि मैं पागल हो गई हूँ। मुझे अजीब से सपने दिखाई देने लगे और अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल में जहर देने वाला था, लेकिन यहाँ आकर तुमने मुझे उस परेशानी से भी बचा लिया। चुपचाप खड़ी रहो। लो पकड़ो, ये गोली खा लो। खा लो। खाऊंगी। खाने ही पड़ेगी। मैं तीन तक गिनता हूं, खा लो। एक, दो। हट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।